नमस्कार, बीएनएक्स वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किचन को घर के किस दिशा में होना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा किचन, तो किचन का संबंध अग्नि तत्व से है, क्योंकि किचन में चूल्हे से हम खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर से खाना बनता है। वास्तु शास्त्र में 8 दिशाओं को अलग अलग तत्व दिए गए हैं, जिसमें अग्नि जो कोण है दक्षिण और पूरब के कोण को अग्नि कोण कहते हैं। और जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अग्नि कोण मतलब उसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो हमारे लिए घर जब हम निर्मित करने जा रहे हों तो हम उसमें देखें कि भवन का जो दक्षिण और पूरब का जो कोण है, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं, उसमें हम पहले किचन के लिए स्थान सुरक्षित कर दें। किचन बनाते समय हमारे पास में क्या क्या संभावना है? पहला, चूल्हा, कि हम प्लेटफार्म किस दीवार पे बनाएं। तो हमारे पास में किचन में दो स्थिति निर्मित होती है, पहला पूरब और दूसरा दक्षिण। पूरब में, पूरब का जो दक्षिण पूर्व का कोना है, किचन के अंदर का जो अग्नि कोण है, उसमें हम पूरब में अपने चूल्हे को रखें। कुकिंग करते समय जो गृह स्वामिनी है उसका जो मुंह है वो पूरब दिशा पे, सूर्य की तरफ में उसकी दिशा होनी चाहिए, और उसी पूरब की दिशा में हम खिड़की बना के रखते हैं, जिससे वो चूल्हे का जो गर्मी है, खाना बनाते समय जो गर्मी है, वो पूरब की तरफ से बाहर निकल जाए। उसमें हम सिंक भी बनाते हैं, तो प्लेटफॉर्म में हम सिंक को उत्तर और पूरब में, किचन का जो उत्तर पूरब ईशान कोण है, जो जल तत्व का कोना होता है, उस कोण पे हम पूर्व या उत्तर की दीवार पे सिंक बनाएं। उसी जगह हम अपना वाटर प्यूरिफायर अगर लगाना चाहते हैं तो वहाँ हम उसको निर्मित कर सकते हैं, वहाँ हम स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पास में फ्रिज रखने की जगह किचन में चाहिए। बार बार हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि हम फ्रिज को किचन के अंदर में कहाँ रखें, तो किचन के में फ्रिज रखने के लिए आप देखें कि किचन के अंदर दक्षिण या पश्चिम का कोई भी हिस्सा, वहाँ पे कोना निकाल लें। अगर वो उत्तर पश्चिम का कोना हो या दक्षिण पश्चिम का कोना हो तो वो उपयुक्त माना गया है, आप वहाँ पे फ्रिज को स्थापित करें। किचन के अंदर अलमारी को बनाते समय ये ध्यान रखें कि अलमीरा किचन के दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि हम दक्षिण और पश्चिम को भारी रखते हैं, वजन रखते हैं, और हम किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन अगर हम लगाना चाहते हैं, क्योंकि किचन में धुआं उठता है तो उसको हमको बाहर निकालना होता है, उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए हमारे पास में वास्तु में दो स्थान है, किचन के अंदर या तो अग्निकोण या फिर वायव्य कोण का हिस्सा, उत्तर पश्चिम का हिस्सा। इन हिस्सों में हम अपने एग्जॉस्ट फैन को लगाएं। हमारे पास में पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कि किचन में हमारे पास में ओवन रहता है, हम तरह तरह के आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए हैं जिससे हम खाना को गर्म करते हैं, खाना को बनाते हैं। तो दक्षिण का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पूरब के साथ साथ में दक्षिण का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें हम माइक्रोवेव और ओवन को रखें, जो गर्मी से, जो अग्नि से चलने वाला, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण है, उसको हम दक्षिण की दीवार पे, दक्षिण के प्लेटफॉर्म पे बना के रखें। अगर हम वहाँ पे डस्टबिन रखना चाहते हैं तो उसे हम किचन के उत्तर पश्चिम पे बना के रखें। अगर हमको किचन से लगा हुआ स्टोर बनाना है तो हमारे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किचन से लग के पूरब की ओर, और दूसरा ऑप्शन है किचन से ही लग के दक्षिण की ओर।
तो अगर हम दक्षिण की ओर स्टोर रूम बनाने जा रहे हैं तो स्टोर रूम में हम ऐसी व्यवस्था करें कि स्टोर रूम में जो अलमारियां हैं वो दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे निर्मित हो। किचन से लगता हुआ ही अगर हम वॉशिंग जोन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बर्तन धोने वाले हैं, तो हम उस वॉशिंग जोन को किचन से लग के अग्नि कोण पे निर्मित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम नल लगाने जा रहे हो तो हम उसे उत्तर या पूरब की दीवार पर ही बनाएं। यह तो हो गया है आदर्श स्थिति जब हम किचन को हम अग्नि कोण पे निर्मित करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हम अग्नि कोण पे किसी वजह से अपने किचन को बना नहीं पाते, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? तो सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास में बिल्डिंग का, भवन का उत्तर और पश्चिम का कोना आता है जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, और वायु तत्व का अग्नि तो अग्नि तत्व से कोई बैर नहीं है, बल्कि वायु से ही अग्नि को प्रज्वलित हम कर पाते हैं। तो सेकंड पॉइंट के आधार पे हम वायव्य कोण पे, जैसा अभी मैंने बताया, तो किचन को आप निर्मित करें। लेकिन ध्यान रखें कि वायव्य कोण पे बनने वाला किचन भी चूल्हे का जो स्थान है वो पूर्वाभिमुख होना चाहिए। अगर किसी वजह से हम पूर्व में चूल्हा नहीं रख पाते तो सेकंड ऑप्शन पे आप चूल्हे को किचन के वायव्य कोण पे उत्तर की दीवार पे रखें। अब अगर हम किचन के पास में किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप किचन से ही लगता हुआ जो अग्नि कोण है, जहां आपके पास में और भी खुली जगह है, वहां आप किचन गार्डन बनाकर अपने समय को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो आज हमने जाना किचन के बारे में। आपको किचन से संबंधित और भी कोई प्रश्न होगा तो हमको उसके उत्तर देने में खुशी होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। हम रोज़ आपके पास में आपके प्रश्नों से संबंधित अलग अलग वास्तु के टिप्स लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।